सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के एक न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, फाइनली हम करने वाले हैं आज रिव्यू FGS वर्जन 3 का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको नए नए कलर्स में, मतलब अपडेटेड कलर्स में देखने को मिल जाएगी। आपको रेसिंग रेड कलर में देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको मतलब ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगी, मैट ब्लू में भी देखने को मिल जाएगी। इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ऑलरेडी आपको मैं दिखा दूँ कि इस कलर में आपको ग्रे कलर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको एलॉय व्हील, मतलब ब्लू कलर के एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये बाइक जो आपको BS6 इंजन में देखने को मिलेगी, इस बाइक में आपको फ्रंट साइड में जो डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, तो वो डिस्क ब्रेक जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 282 mm के, जो कि आपको सिंगल चैनल ईबीएस के साथ देखने को मिलेंगे। बात कर लें इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, जो कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ मैं बता दूँ इस बाइक के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो इस बाइक में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको रियर पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक के रियर जो ब्रेक देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 220 mm के, जो कि आपको मतलब सिंगल, मतलब डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेंगे, इसमें आपको सिंगल चैनल ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात कर लें इस बाइक की लाइट के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट साइड में जो लाइट देखने को मिलेगी वो मिलेगी LED लाइट, जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छी लग रही है एकदम देखने में। और इंडिकेटर भी इस बाइक में आपको LED देखने को मिलेंगे। बात कर लें इस बाइक की बैक लाइट के बारे में, तो गाइस इस बाइक की जो बैक लाइट है वो भी आपको LED ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात कर लें इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो गाइस इस बाइक में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 165 mm का। इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस बाइक की जो हाइट देखने को मिलेगी आपको वो मिलेगी मतलब 1990 mm की। इस बाइक में आपको ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाएगी, और सीट हाइट जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 790 mm की। इस बाइक में आपको सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। बात कर लें इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर के बारे में, तो इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात कर लें इस बाइक के टायर के बारे में, तो गाइस इस बाइक में आपको 140/60 का टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छा वाइड आपको टायर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात कर लें इस बाइक के फ्रंट टायर के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट टायर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 100/80 का, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, आपको देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल बाइक का जो लुक है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इस बाइक में आपको साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बाइक का जो इंजन है आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। इस बाइक में आपको 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बाइक में आपको मतलब इंजन गार्ड भी देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर साथ ही साथ देख सकते हैं। इस बाइक में मतलब आपको जो है इंजन गार्ड भी देखने को मिल सकता है, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी में है यामा की तरफ से इस बार। और बाकी ओवरऑल लुक बाइक का एकदम ऑसम है, आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा कलर इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको रेसिंग ब्लू कलर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यामा R15 V4 में देखने को मिला है। बाकी MT15 वर्जन 2 में भी आपको रेसिंग ब्लू कलर देखने को मिला है। बाकी इधर आपको ब्लैक कलर भी दिखा दिया मैंने आपको, देख सकते हैं आप, जो कि आपको गोल्डन कलर में देखने को मिलते हैं, और बाकी रेड कलर भी देखने को मिल जाता है। ओके गाइज, बाकी ओवरऑल अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस बाइक को चाहिए, मतलब इस बाइक को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।